ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਜਵਾਲਾਨਗਰ ਵਿੱਚ ਬੀਤੀ ਦੇਰ ਰਾਤ ਅਣਪਛਾਤੇ ਲੋਕ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਸੜਕ ਉੱਪਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੀ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸਨਸਨੀ ਫੈਲ ਗਈ। ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦਿਆਂ ਹੀ ਥਾਣਾ ਨੰਬਰ 1 ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ADCP ਵਤਸਲਾ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚਾਰ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਵਿੱਚ ਆਏ ਅਣਪਛਾਤੇ ਲੋਕ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਕੰਬਲ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟ ਕੇ ਸੜਕ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਉਮਰ 30 ਤੋਂ 35 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਲੱਗੇ CCTV ਕੈਮਰੇ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। आज 10 बजे हमें कंट्रोल रूम से इन्फॉर्मेशन आई कि ज्वालानगर और ये नंदनपुरा से नागरा की तरफ जो रोड है यहाँ पर एक डेड बॉडी मिली है अराउंड 10 बजे के आसपास। तो मौके पे SHO डिवीजन 1 मिस्टर राजेश, ACP DSP सुखजिंदर साहब सारे मौके पे आके देखा तो एक करीब 30 से 35 साल के उम्र के एक लड़का मेल डेड बॉडी कंबल में रैप्ड है और उसको शार्प इंजरीज देखने से लग रहा है कि गर्दन में शार्प इंजरीज हैं, चोट उसको काफ़ी है। बाकी हम वेरीफाई कर रहे हैं कि जो यहाँ से जो इन्फॉर्मेशन इकट्ठी हुई है उस हिसाब से कोई फोर व्हीलर बॉडी सुट के गया है यहाँ पे, कोई टेम्पो। वेरीफाई कर रहे हैं, देख रहे हैं, एडिट एंड पोस्टमार्टम कराते हैं डेड बॉडी का। विल फाइंड आउट कि क्या इन्वेस्टिगेशन का क्या क्या डेड बॉडी व्हाट द रीज़न की है और इसके अलावा यहाँ पे डेड बॉडी कोई रेसिडेंशियल एरिया में फेंके गया है क्या कॉज हो सकता है मर्डर का। मैडम मौके वारदात के ऊपर कुछ मिले जी? नहीं हजे तक तो कोई हमने जो भी देखा है विदाउट जो ऊपर इन्वेस्ट देखने लग रहा है अभी फिलहाल तो कुछ भी नहीं। मैडम जिदा तुम डेड बॉडी देखी है डेड बॉडी के कितने चोटों के निशान लगे हुए हैं? फिलहाल डेड बॉडी देख के जो जड़ा लगता है कि 6 इंजरीज हैं उन्हें, गले पे है, हेड पे है, शार्प इंजरीज लग रही हैं, बाकी तो पोस्टमार्टम की बात। मैडम जिदा मौके पर ACP साहब आए, SHO साहब भी आए हैं तो इन्होंने महल्ले वाले गलबात भी की, महल्ले वाले की दसते हैं? मोहल्ले वाले यही कह रहे हैं कि करीब 10 बजे के आसपास ये इतने एक रोड जा रहा है सीधा जो नंदनपुरा और ये जो ये रोड बता रहे हैं ज्वालानगर हैगा, इतने कोई फोर व्हीलर आया सी, वो टेम्पो ट्रैवलर काइंड छोटा जो है वो छोटा हाथी, वो कोई डेड बॉडी सुट के गया है कंबल में। अब बाकी तो इन पूछताछ कर रहे हैं कि क्या है रियल कौन क्या गड्डी है गड्डी नंबर बाकी पूछताछ कर रहे हैं। मैडम जेड़ा ये जिदा एक तुसीं कहंदे इत्थे हादसा हो गया, हादसा पिछे होया या इत्थे डेड बॉडी इत्थे ही होया? नहीं नहीं ये तो नहीं है, जो यहाँ पे लोग कह रहे हैं वो है कि डेड बॉडी सुट के हैं तो हादसा तो इतने नहीं लगता, बाकी इन्वेस्टिगेशन। नाइट कर्फ्यू दौरान मैडम इतनी बड़ी वारदात होना, कोई नाइट डोमिनेशन चल रहे हैं कैसे मानते हैं? नहीं नाइट डोमिनेशन चल रहा है, देखिए क्या है ना कि ऑब्वियसली मर्डर मैं ये नहीं कहती कि प्रिवेंशन के लिए सारे हम प्रिकॉशंस ले रहे हैं, पर कोई कमरे के अंदर या कहीं किसी की मंशा है आपस में लड़ाई झगड़ा करके कोई एक दूसरे का अगर कोई किसी को इंजरी पहुंचाता है तो फिर वो कमरे के अंदर की पुलिस कंट्रोल नहीं कर सकती। जो सड़कों पर है उस पर हम सारे तैनात हैं, इसलिए जैसे ही इन्फॉर्मेशन आई मौके पर तुरंत सारे पहुँच गए। आने वाले तो CCTV कैमरे देखे होने, कैमरे कोई लोकेशन पता लगी? नहीं अभी वेरीफाई कर रहे हैं, हजे तक तो कोई अभी चेक कर रहे हैं कि कहीं कोई कैमरा लगा हो तो हमें शायद। जी गल करिए मैडम मुढ़ली कार्रवाई, मुढ़ली कार्रवाई की जा रही है? अभी इमीजिएटली बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज रहे हैं, देखते हैं कि क्या क्या इंजरीज हैं बॉडी में, क्या क्या पॉसिबिलिटी है, क्या मर्डर का क्या कितना इंजरी है, क्या वेपन है, वो सब पोस्टमार्टम के बाद ही पता लगेगा। बॉडी की पहचान हुई है कोई? नहीं नहीं अभी तक तो नहीं। कोई बॉडी दे जिदा कपड़े उन्हें पाए हुए कपड़े कुछ वेरीफाई होया होवे? नहीं अभी ये सारा इन्वेस्टिगेट करेंगे। मौके वारदात कुछ नहीं बरामद होया? नहीं अभी कुछ नहीं, फिलहाल अभी एक कंबल ही है जिसमें डेड बॉडी रैप्ड अप है और कंबल के अलावा तो और कोई दिखाई नहीं दे रहा। Thank you. Thank you.